हेलो दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा कि हांगकांग की गवर्नमेंट ने यहाँ पर भारत के साथ साथ दुनिया के 7 और देशों से अपनी फ्लाइटों को बंद कर दिया था। यानी कि इन 8 देशों के लोग अब हांगकांग में ट्रैवल करके नहीं जा सकते थे। लेकिन अब यहाँ पर हांगकांग की गवर्नमेंट की तरफ से एक और जानकारी शेयर कर दी गई है, जिसमें कि उन्होंने यहाँ पर ये जानकारी दी है कि वो अब यहाँ पर 150 देशों के ऊपर ट्रैवल बैन लगा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये ट्रैवल बैन यहाँ पर 15 जनवरी से लेकर 14 फरवरी 2022 तक लागू रहेगा। बात करें कि ये 150 देश कौन कौन से हैं जिन देशों से आप लोग हांगकांग में ट्रैवल करके नहीं जा सकेंगे, तो इसमें पहला देश यहाँ पर अर्जेंटीना है, दूसरा ऑस्ट्रेलिया है, तीसरा बांग्लादेश, चौथा बेल्जियम, पांचवा ब्रुनेई, उसके बाद कंबोडिया, कनाडा। इसके अलावा भी कई सारे देश हैं जिनके नाम आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। इन सभी देशों के लोग आप यहाँ पर 14 फरवरी तक हांगकांग में आप ट्रैवल करके नहीं जा सकेंगे। आपको बता दें कि इससे सबसे ज़्यादा असर उन स्टूडेंट्स के ऊपर पड़ेगा जो लोग इन देशों से ट्रैवल करके हांगकांग में अपनी स्टडी करने के लिए जाना चाहते थे। लेकिन अब यहाँ पर फ्लाइटों के ऊपर लगे रिस्ट्रिक्शन के कारण अब सभी स्टूडेंट्स इन देशों से हांगकांग में ट्रैवल करके नहीं जा सकेंगे। यदि आप इन देशों से बिलोंग करते हैं तो आप इस समय वाया होकर हांगकांग में ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन बात करें सीधा ट्रैवल करने की, तो हांगकांग ने इन 50 देशों के ऊपर ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है, जिस कारण से कोई भी लोग 14 फरवरी तक हांगकांग में ट्रैवल करके नहीं जा सकेंगे। तो दोस्तों, ये एक लेटेस्ट अपडेट आ रही थी हांगकांग की गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें उन्होंने यहाँ पर 150 देशों को रेड लिस्ट में डाल दिया है। यानी कि अब 150 देशों के लोग 14 फरवरी 2022 तक सीधा हांगकांग में अब ट्रैवल करके नहीं जा सकेंगे।